मॉडल पैसिव वॉइस कुड और माइट जिन वाक्य के अंत में कीता जा सकदा सी, द्वारा हो सकदा सी और कीता जा सक्या शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है उन वाक्यों को कहते हैं मॉडल पैसिव वॉइस ऑफ कुड और माइट। इनमें सबसे पहले यूज करते हैं ऑब्जेक्ट, फिर कुड या माइट मॉडल वर्ब, उसके बाद बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर बाय और फिर सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल। यह काम मेरे द्वारा किया जा सकता सी, यह काम मेरे द्वारा किया जा सकता था। इस वाक्य में आप देख रहे हैं कि किया जा सकता सी शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि पता चलता है कि ये है मॉडल पैसिव वॉइस ऑफ कुड और माइट। जैसे कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि मॉडल पैसिव वॉइस की पहचान है कि जिन वाक्यों के अंत में किया जा सकता सी, द्वारा हो सकता सी और किया जा सकिया शब्दों का इस्तेमाल होता है वो कहलाते हैं मॉडल पैसिव वॉइस ऑफ कुड और माइट। और जैसे कि इस सेंटेंस में किया जा सकता सी शब्द का इस्तेमाल किया गया है तो ये है मॉडल पैसिव वॉइस ऑफ कुड और माइट। तो इस सेंटेंस में हम सबसे पहले यूज करेंगे ऑब्जेक्ट दिस वर्क, उसके बाद मॉडल वर्ब कुड, फिर बी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट मी। जैसे कि सेंटेंस बना दिस वर्क कुड बी डन बाय मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, पंजाबी गाना उसे द्वारा गाया जा सकता सी, पंजाबी गाना उसके द्वारा गाया जा सकता था। इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि द्वारा शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि पंजाबी गाना उसके द्वारा गाया जा सकता सी, जिससे कि क्लियर होता है कि यह है मॉडल पैसिव वॉइस ऑफ कुड और माइट, जिसे मॉडल पैसिव वॉइस कुड और माइट के रूल्स के अकॉर्डिंग बनाएंगे। इसमें सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट पंजाबी सॉन्ग, उसके बाद मॉडल वर्ब माइट, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म संग, फिर बाय और फिर हिम यानी कि सब्जेक्ट। जैसे कि सेंटेंस बना पंजाबी सॉन्ग माइट बी संग बाय हिम। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद कुड मॉडल वर्ब और कुड के बाद नॉट का इस्तेमाल करते हैं, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट। एग्जाम्पल, यह काम मेरे द्वारा नहीं किया जा सकता सी, यह काम मेरे द्वारा नहीं किया जा सकता था। इस वाक्य में आप देख सकते हैं कि नहीं शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि पता चलता है कि यह है नेगेटिव सेंटेंस। तो इस सेंटेंस को मॉडल पैसिव वॉइस ऑफ कुड और माइट के नेगेटिव सेंटेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग बनाएंगे। सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट दिस वर्क, फिर मॉडल वर्ब कुड और कुड के बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट मी। जैसे कि सेंटेंस बना दिस वर्क कुड नॉट बी डन बाय मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, पंजाबी गाना उसे द्वारा नहीं गाया जा सकता सी, पंजाबी गाना उसके द्वारा नहीं गाया जा सकता था। इस वाक्य में भी आप देख सकते हैं कि नहीं शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि पता चलता है कि यह है नेगेटिव सेंटेंस, जिसे मॉडल पैसिव वॉइस ऑफ कुड और माइट के नेगेटिव सेंटेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग बनाएंगे। इसमें सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट पंजाबी सॉन्ग, फिर मॉडल वर्ब माइट और माइट के बाद नॉट, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म संग, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट हिम। जैसे कि सेंटेंस बना पंजाबी सॉन्ग माइट नॉट बी संग बाय हिम। इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले कुड और माइट का यूज करते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट। एग्जाम्पल, की यह काम मेरे द्वारा किया जा सकता सी, क्या यह काम मेरे द्वारा किया जा सकता था। इसमें देख सकते हैं आप कि की शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किया गया है, जिससे कि पता चलता है कि यह है इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसे मॉडल पैसिव वॉइस ऑफ कुड और माइट के इंटरोगेटिव सेंटेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग बनाएंगे। इसमें सबसे पहले आएगा मॉडल वर्ब कुड, उसके बाद ऑब्जेक्ट दिस वर्क, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट मी। तो ये सेंटेंस बना कुड दिस वर्क बी डन बाय मी।
तो इन सभी एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि जिन वाक्यों के अंत में कीता जा सकता सी, द्वारा हो सकता सी और कीता जा सकिया शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है वो कहलाते हैं मॉडल पैसिव वॉइस ऑफ कुड और माइट। इनमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर मॉडल वर्ब कुड या माइट, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। और नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर मॉडल वर्ब कुड और कुड के बाद नॉट, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले कुड और माइट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरीके के कम से कम 20-20 वाक्य आप अपनी प्रैक्टिस बुक में बनाइए ताकि मॉडल पैसिव वॉइस ऑफ कुड और माइट के सेंटेंस बनाने की आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो सके। अब हम आपको दिखा रहे हैं कुछ सिनोनिमस। इन सिनोनिमस को भी आप याद करें ताकि मॉडल पैसिव वॉइस ऑफ कुड और माइट के सेंटेंस बनाने के साथ साथ आपकी नॉलेज भी बढ़ती रहे। तो ये थे मॉडल पैसिव वॉइस ऑफ कुड और माइट।